कहीं खुशी कहीं गम, आम आदमी को यहां हुआ घाटा और फायदा। मोदी सरकार ने गुरुवार को अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कई नई घोषणाएं की, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे मिडिल क्लास में नाराजगी है। हालांकि सरकार का ध्यान पूरी तरह से खेती, किसान और ग्रामीण इलाकों पर ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की जमकर तारीफ की और न्यू इंडिया का बजट बताया। बजट में ऐसी कई चीजें हैं जो आम आदमी के फायदे की हैं, लेकिन कुछ ने आम आदमी को झटका भी दिया है। आम आदमी के फायदे की बात, किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य, 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना बीमा, 40,000 रुपए मानक कटौती की घोषणा से नौकरी पेशा लोगों को फायदा, 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, 6 करोड़ शौचालय बने, 2 करोड़ और बनाएंगे। आम आदमी पर यहां पड़ी मार, 1% स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर बढ़ाया, अब 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया, 10,000 से अधिक भुगतान पर ट्रस्ट को देना होगा टैक्स, 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयरों पर 10% टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 10% टैक्स, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से कई चीजें महंगी, खाद्य तेल, बाइक, मोबाइल, टीवी समेत कई चीजों के दाम बढ़े। बजट पर मनमोहन का वार, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को पेश किए गए बजट में किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर किए गए दावों पर खारिज कर दिया। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि ये संभव ही नहीं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। मनमोहन सिंह ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 12% तक नहीं पहुंच जाती, और जब तक हम इसे पा नहीं लेते, यह केवल जुमला ही है। ये पढ़ें, बजट 2018 हाइलाइट्स, जाने बजट की बड़ी बातें। मोदी का सांसदों को निर्देश, घर घर पहुंचाओ बजट की बातें। मोदी सरकार अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट को आम जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। पीएम मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में बजट को सबका साथ सबका विकास का डॉक्यूमेंट बताते हुए अपने सभी सांसदों से कहा है कि वे इसकी खूबियों के बारे में जन जन को बताएं। पीएम ने इस काम के लिए बाकायदा सभी सांसदों को निर्देश भी दिया कि वे इस काम के लिए सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करें।